गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसाइड आई रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक डिलीवरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के बारे में आज मैं बात करूंगा कि इरिटेबल बाबल सिंड्रोम में वो कौन सी होम रेमेडीज हैं जो वास्तव में आपको हेल्प कर सकती हैं आप जानते हैं कि इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कुछ उस तरह की प्रॉब्लम है जो ऑनगोइंग है या रिकरिंग है उस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको लगातार परेशान कर सकती है या रुक रुक के परेशान कर सकती है इन हर समय आप जो है डॉक्टर की मदद नहीं ले सकते आपको वास्तव में होम रेमेडीज पर ध्यान देने की जरूरत है नौ जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है कि अगर आपको सिम्टम्स को प्रिवेंट प्रिवेंट करना है तो आपको चीजों को पर्सनलाइज करने की जरूरत है आप जानते हैं कि जो सिम्टम्स हैं इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं इन पोटेंशियली एम्बरसिंग हो सकते हैं इन द सेंस कि आपको पेट में एठन मरोड़े आ रहे हैं आपका पेट फूल रहा है आपको पेट में गैस बन रही है आपको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं ये इस तरह के जो सिम्टम्स अगर बार बार आ रहे हैं तो वास्तव में ये फन तो नहीं हो सकता है वास्तव में आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को फर्क डालता है आपके रोजमर्रे की जिंदगी को अफेक्ट करता है तो वास्तव में आपको होम रेमेडीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है बिकॉज साइंस भी मानती है कि बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस ऐसे हैं या होम रेमेडीज ऐसी हैं जिनसे आपके जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ पहुंचाया जा सकता है इसलिए इन पर ध्यान देने की जरूरत है यह भी आपको समझने की जरूरत है कि हर आदमी की बॉडी फर्क है चूंकि हर आदमी की बॉडी फर्क है तो जो इरिटेबल वावल सिंड्रोम है वो अलग बिहेव करता है ऐसा नहीं है कि जो होम रेमेडी मेरे लिए ठीक है वो होम रेमेडी आपके लिए भी ठीक होगी तो जो होम रेमेडी है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स देती है इसलिए अपनी होम रेमेडी अपने लिए ही आइडेंटिफाई करिए इन अगर आपको लगता है कि आपने आइडेंटिफाई की इससे आपका डिस्कम्फर्ट कम हुआ तो फिर उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस होम रेमेडी को यूटिलाइज करने की जरूरत है नाउ सबसे पहला जो इसमें आता है इज द वर्कआउट इज द एक्सरसाइज साइंस ऐसा मानती है कि एक्सरसाइज जो ना ट्राइड इंट्रस्टेड वे है जिसके चलते आपकी जो स्ट्रेस है वो रिलीफ होती है इससे आपका डिप्रेशन कम होता है इससे आपका एंजाइटी का लेवल कम होता है अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं तो ये तीनों चीजें आपके नीचे की तरफ आती हैं इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस कम होगी डिप्रेशन कम होगा एंजाइटी कम होगी एंड साइंस ये मानती है कि एनीथिंग जिसके चलते स्ट्रेस का लेवल कम होगा उसके चलते आपकी जो इंटेस्टिन है उसका जो डिस्कम्फर्ट है और उसका जो मूवमेंट है वो वास्तव में रेगुलर हो जाएगा इन द सेंस स्ट्रेस कम होगी तो इंटेस्टिन के जो कॉन्ट्रेक्शन हैं वो रेगुलेटेड हो जाएंगे और आपको जो डिस्कंफर्ट है क्रिम्प है वो वास्तव में नीचे की तरफ चले जाएंगे तो इसलिए वर्कआउट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज नाउ नेक्स्ट कम्स इज द रिलैक्सेशन अगर जो ना आप अपनी लाइफ स्टाइल में जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि ये बेनिफिशियल हर आदमी के लिए है हर एस्पेक्ट से है बट जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम का सवाल है इट स्पेसिफिकली हेल्प्स तो इसलिए जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं वो वास्तव में आपको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए देर वॉज अ पेपर विच वॉज पब्लिश फ्रॉम इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर फंक्शनल बाबल डिजीज उसने ये माना कि ये तीन पर्टिकुलरली जो ना एरियाज हैं या तीन रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर इरिटेबल सिंड्रोम है और इन तीन रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अगर अप्लाई किया गया तो उसके सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलते हैं नंबर वन पर आता है डायफ्रोमेटिक और एबडामनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज फिर से सुनिए डायफ्रोमेटिक और एबडामनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर दो पे आता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन फिर से सुनिए

फाइबर को बढ़ाना चाहिए देखिए जहां तक फाइबर का सवाल है इट्स बैग बैग इन द सेंस कि वास्तव में कुछ सिम्टम्स को एनहांस कर सकता है कुछ सिम्टम्स को बेटर कर सकता है मान लीजिए कि आपने फाइबर को अपने डाइट में बढ़ाया ये बात सही है कि आपका कॉन्स्टिपेशन बेटर हो जाएगा आपका जो एक इवेक्शन की प्रोसेस है वो बेटर हो जाएगी आपका पेट हो सकता है बेहतर साफ होने लगे लेकिन जब आप फाइबर बढ़ाते हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको क्रेम्स ज्यादा आने लगे

जैसे जो पदार्थ हैं, पर्टिकुलरली मिल्क है उसको शायद अलग करने की जरूरत है एनीथिंग विच कंटेन्स लेक्टोज वो आपके सिम्टम्स को वर्सन करेगा ना बहुत लोगों की हैबिट होती है कि अगर कॉन्स्टिपेटिव वेराइटी ऑफ इरिटेबल बावल सिंड्रोम है तो ओटीसी में जो लेग्जिटिव अवेलेबल होते हैं उसको वास्तव में यूटिलाइज करते हैं आपको मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आप जो लेग्जेटिव यूज करते हैं उसको ध्यान से यूज करें आपको वास्तव में उनको यूज करना है तो बहुत जुडिशियसली एंड जितनी कम मात्रा हो जाए उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लेग्जेटिव है वो हैबिट फॉर्मिंग

ना होने पाए आपको अपनी जो फूड चॉइसेस हैं, उनको वास्तव में स्मार्ट करने की जरूरत है इन द सेंस कि आपको अपना खुद ही डॉक्टर बनने की जरूरत है इन द सेंस आपको देखने की जरूरत है कि ऐसे कौन सी खाने की चीजें हैं जो आपके सिम्टम्स को वर्स करती हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके सिम्टम्स को इंप्रूव करती हैं जो चीज़ें आपके खाने के सिम्टम्स खाने से सिम्टम्स वर्स होते हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत है जिन चीजों को खाने से आपके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं उनको आपको अपनी डाइट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करने की जरूरत है बट साइंटिफिकली कुछ चीजें ऐसी है जो साइंस ऐसा मानती है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वर्सन करने की ताकत रखती हैं इनको जरा देखिए कि शायद ये आपको ट्रबल कर रही हो नंबर वन पर आती हैं बीन्स वास्तव में ये गैस ज्यादा बनाती हैं नंबर टू पर आते हैं कैबेज एंड कॉलीफ्लावर

नंबर आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइज करिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाइए सोशल ग्रुप्स में रहिए लेकिन स्ट्रेस के लेवल को कम करिए इरिटेबल वावल के सिंड्रोम्स नीचे सिम्टम्स नीचे आएंगे आप अपनी डाइट को वॉच करिए खुद लिस्ट बना के देखिए कि क्या चीजें आपको वर्सन करती हैं क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करती हैं इसके अलावा जो मैंने लिस्ट इसके पहले कही है उसमें वॉच करके देखिए कि कहीं उनमें से कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपकी सिम्टम्स को वास्तव में वर्सन कर रही है अगर इन सब करने के बावजूद आपके जो सिम्टम्स हैं आपके कंट्रोल के बाहर हैं आपकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं आपकी डे टू डे लाइफ को जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है सो so दैट जो इसके सिम्टम्स हैं उनको वास्तव में कंट्रोल किया जा सके तो मैं ऐसा मानता हूं कि इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो आपके साथ जिंदगी भर चल सकती है इसके जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूसली आ सकते हैं या ये सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे इस तरह चल सकते हैं आप हर बार हर चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं दौड़ सकते इसके लिए आपको कुछ होम रेमेडीज को ट्राई करने की जरूरत है आप अपने लाइफ स्टाइल्स जो है उनको ठीक करने की जरूरत है और इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और आपकी जो एक रोज मे की जिंदगी है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है अगर आप समझते हैं कि होम रेमेडीज इन इरिटेबल बाबल सिंड्रोम इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं डॉक्टर वी मिश्रा From Guest to Liver Hospital, Sorukta, Kanpur. Thank you very much.